मोहल्लास रेसिपी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने एक नई रेसिपी बनाई है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए है उपवास के पकौड़े। चौंक गए ना, उपवास के पकौड़े कैसे बनते हैं? तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको सिखाऊंगी उपवास के बनने वाले पकौड़े। तो चलिए फ्रेंड, हम किचन की तरफ चलते हैं। किचन की तरफ चलने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबवाना, ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, उपवास वाले पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लिए वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बगर का आटा, ये आपको कहीं भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है या आप घर पर भी बना सकते हैं मिक्सी में या फिर चक्की में पीस के। यहाँ पर मैंने लिया है राजगिरे का आटा और ये लिया है साबुदाने का आटा। हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है मिक्सी में। ये नमक लिया है, ऑयल लिया है डीप फ्राई करने के लिए, और यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इनके हम छिलके उतार देंगे और इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसके छिलके उतार दिए हैं, अभी हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। इसको बड़ा जो होल होता है उससे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, अभी हम इसको एक दो पानी से वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको दो पानी से वॉश किया है, अभी हम इसको ऐसे दोनों हाथ से निचोड़ लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। इसको दूसरे बॉल में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गरम होता है तब तक हम बैटर रेडी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमने कद्दूकस किया हुआ आलू इधर मैंने लिया है, उसमें हम डालेंगे राजगिरे का आटा। थोड़ा सा राजगिरे का आटा डालेंगे, डालेंगे भगर का आटा, और साबुदाने का आटा हम 2 से 3 टेबलस्पून ही डालेंगे, ताकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा चिपचिपा होए। अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, 1 स्पून मैंने डाला है यहाँ पर। और डालेंगे स्वादानुसार नमक। यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 चम्मच लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जरा सा सूखा सूखा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी ऐड करूंगी बाइंडिंग के लिए। थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है हमको, वरना आलू को नमक डालते ही पानी छूटता है, इसलिए हमने पहले पानी नहीं डाला था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं और थोड़ा डाल रही हूँ, इसका बाइंडिंग होना जरूरी है। देखिए फ्रेंड, इसके अच्छे से पकोड़े भी बन रहे हैं। अभी हम इसको ऐसे ही दरदरा डाल देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बस थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, ताकि वो अंदर से भी क्रिस्पी हो जाए। फ्रेंड्स, पानी डालते हुए हमको ध्यान देना है, ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, बस आटे की तरह इसको बनाना है। अभी हम इसके छोटे छोटे बॉल रेडी कर लेंगे पकौड़े जैसी, और इसको डीप फ्राई करेंगे जिस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे बॉल्स बना लिए हैं पकोड़े के। अभी हम इसको तेल में डीप फ्राई करेंगे। धीरे से डालना है, कहीं पर भी तेल उड़ना नहीं चाहिए। सारों को हम एक साथ ही फ्राई कर लेंगे।
फ्रेंड्स ये थोड़ा नीचे चिपक जाता है तो इसको थोड़ा सा हल्के हल्के से इसे निकाल लेना है और हल्की पल्टी करना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए, अभी हम इसको थोड़ा सा पल्टी कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। बीच बीच में इसको हिलाना है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़ा नरम होता है तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने इसको सिम गैस पर ही डीप फ्राई किया है, मेरा गैस अभी भी सिम गैस ही है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। फ्रेंड्स आप लोग इसमें रेड मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड मिर्च से इसको कलर अच्छा आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर हरी मिर्च यूज़ की है। हरी मिर्च से टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने टेस्ट की तरफ फोकस दिया है। देखिए फ्रेंड हमारे पकोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से इनका कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। फ्रेंड्स सभी को हम एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कुरकुरे उपवास के पकोड़े बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना कुरकुरा है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है, आप इसको दही के चटनी के साथ भी खा सकते हैं जो मल्टीपल चटनी होती है। आपको अगर उसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पकोड़े कैसे बने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए उनकी करारे आवाज़ भी आ रही है और अंदर से थोड़ा सा जूसी है, लेकिन ये खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप इसको दही के साथ डिप करके खाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स ये मेरी ये उपवास वाले पकोड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालना ना भूलें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।